हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंटली न्यूज़ के एक आर्टिकल में छपा है कि जो आरआरबी है, जो नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, अराउंड 87,000 जो रिक्त पद हैं वो भर्ती जल्द ही आने वाली है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल, देख लीजिए। रेलवे तकनीकी पदों के लिए ठेके पर लोगों को भर्ती करेंगे। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने पहली बार संरक्षा वर्ग में रिक्त पदों के लिए ठेके पर नियुक्त को हरी झंडी दे दी है ना। इससे रेलवे के इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम विभाग के तकनीकी से जुड़े हजारों युवाओं को रोज़गार मिल सकेगा। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, है ना। अब नीचे देख लीजिए क्या लिखा है। एक अनुमान के मुताबिक रेलवे में संरक्षा वर्ग के 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख पद में से 25% खाली है, अराउंड 87,000 से अधिक, है ना। ये देख लीजिए 87,000 यहाँ पर भी लिखा है। तो अभी आप जानते हैं एलपी और टेक्नीशियन के पेपर चल रहे हैं, इसके बाद डी ग्रुप, देन आरपीएफ, और उसके बाद फिर आपका सीनियर सेक्शन और जूनियर इंजीनियर जो है इसका पेपर ऑर्गेनाइज होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी जारी रखिए। इसका रेलवे का जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है काफ़ी बिजी है। अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यू एग्ज़ामें चल रही हैं, तो ये देखते हैं कि 2019 में ही मे बी इसका पेपर हो जाएगा। इसका आना लगभग लगभग तय है, क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है ये चीज़। और जैसे कि आप जानते हैं 2019 में लोकसभा का चुनाव है, और जब मोदी जी चुनाव जीते थे तो उन्होंने काफ़ी वादे किए थे कि ज़्यादा भर्तियां निकलेगी, जिस पर विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा है। इसके लिए ज़्यादा भर्तियां निकल रही हैं अभी, जैसे कि एसएससी में निकल रही है, ठीक है। उसके बाद रेलवेज़ में कंटिन्यू निकाल दिए। अब इसकी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंट सीट है, काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं आई है, सीटें काफ़ी खाली हैं इसकी, अराउंड 87,000 के ऊपर खाली है। तो 87,000 नहीं तो कम से कम 50 से 60 हज़ार तो वैकेंसी डेफिनेटली आएगी टेक्निकल में। जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन और टेक्निकल पद रहेंगे इसमें, तो आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों।